ये तो एक होली की खुशी है और हमें नागरिकता मिली उसकी भी खुशी है, डबल खुशी है। तो डबल खुशी भी हमने पहले ही रंग लगा लिया। पहले तो रंग नहीं लगाना चाहे तो होली जला के लगाते हैं हिंदू धर्म में हमने, क्योंकि खुशी भी पता नहीं चला तो पहले रंग लगा लिया। और ये बताइए कि पाकिस्तान से आप लोग यहाँ पर आए थे, कितना अत्याचार होता था और आज कितनी बदल गई है जिंदगी तो जिंदगी बदल तो गई हमारी, बहुत सारी बदल गई है। इतनी बदल गई है कि हमें होश ही नहीं है संभालने का कि कहाँ तक आ गए हैं, कहाँ तक थे, कौन सी मंजिल में आ चुके हैं। मंजिल अभी हमारी करीब आ रही है, हम मंजिल से दूर नहीं जा सकते क्योंकि मंजिल हमें बुलाया था। तो भारत से, हिंदुस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से, तो हमें पाकिस्तान आवाज पाकिस्तान से ही हमारे मोदी ने सुनी है, तो हम यहाँ तक खींच के लाया। देख, गरीब की आवाज बहुत ऊंची जाती है, पत्थर से भी टकरा के जाती है। क्यों? कि गरीब की आह बहुत बुरी होती है। हमने ये कहा भगवान के कोई भी ऐसा यहाँ पे जैसे वज्र आला कर दे, जहाँ वैसे मोदी सरकार ऐसे कर दे, हमारी मदद करे। जागो कोई, जैसे भागीरथ को गंगा लाई, कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी थी, किसी ने गंगा नहीं लाई, मगर मोदी ने इस तरह से, मोदी ने काम बनाया है, भागीरथ की तरह गंगा को लाए हैं। पहले तो बनाया राम जन्म भूमि, फिर हमारे शरणार्थी के लिए हमारा नागरिकता बनाई है। तो यही काम हुआ, जैसे गंगा लाया था भागीरथ। हम तो ये इसको मोदी जी को कहते हैं, हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद, प्रणाम मोदी के चरणों में। और गंगा जैसे लाए बाबा भट्टी योगी महाराज जी हरिद्वार के, वो हम परिवारों को तीर्थ करवाते हैं हरिद्वार पे, वहाँ पे। और उनके जो शिष्य हैं अशोक सोलंकी, उन्होंने भी 25 परिवारों को 50-50 गज जमीन सेवा में दी। बोला कि हिंदू पीड़ित आए हुए हैं, अपना बसेरा, रैन बसेरा इसी में करो। उन्होंने ये सेवा की। और इनको बसाने वाले नहार सिंह जाट जो ब्रजवासन में, उन्होंने सरकार से कहा कि भाई ये हिंदू परिवार है, हम इनको पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, ये यहीं रहेंगे। और जब आए थे ना, हमारे पास एक रुपया भी नहीं था, दिल्ली में किराया नहीं था। तो राजा भैया जो लखनऊ से हैं, रघु प्रताप सिंह, उन्होंने 10 लाख रुपए इन परिवारों को दिया, भाई कपड़े ले लो, आटा लो, अपना खाओ, और हमारे पास जमीन है 10 एकड़, बसना चाहो तो वहाँ बस जाओ। मगर हमें पहचान नहीं थे, हमने कहा नहीं नहीं भाई, हम यहाँ रहेंगे, दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, किसी को जानते नहीं। उसके बाद लोगों से पूछा कि राजा भैया क्या, अरे भैया वहाँ मत जाना, तालाब में मगरमच्छ पाल रखे हैं, हम डर गए, हम नहीं गए वहाँ। तो इसी तरह जैसे मोदी भागीरथ की तरह ही इन परिवारों की रक्षा की है, और गंगा में जैसे कि हमने स्नान किया। मैं ये कह रही थी, हमने ये वचन क्यों कहा है, जितना पाकिस्तान में जैसे वे राजा सागर के पुत्र 60,000 पुत्र जल के धरती के अंदर तरह तरह ही बचा रहे थे, कोई हमें तारो गंगा जी को ला कोई, इसी तरह से पाकिस्तान में तरह तरह बच रहे हैं कि हमें निकालो नरक से निकालो। हम मोदी जी से ये कहते हैं, हमें तो खुशी है मगर दुख इसी बात के भी है वहाँ के हमारे परिवार नहीं आ चुके हैं। क्यों? कि वीजा हमें नहीं मिल रही उन लोगों को। देख भाई है, अपना परिवार है, दुख होता है, हमें तो सुख मिल गया। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी जिंदगी को तो मिल गया, मगर उनकी जिंदगी बहुत पीड़ा था। उनको भी हाथ जोड़ के मोदी को कहते हैं कि जहाँ तो अच्छा चार वहीं बंद करवाओ, नहीं तो ऐसा काम करा तो वीजा हमारे लिए खुल जाए, हमारे बच्चे और भाई बहन जो भी है हमारे हिंदू धर्म वो आ जाए। अच्छा, पाकिस्तान को क्या मैसेज देने की कोशिश? नहीं, हम पाकिस्तान की भूमि को कुछ नहीं कहते। जैसे जैसे रावण पैदा हुआ तो वैसे वहाँ पैदा होंगे। भारत तो भूमि तो एक ही है, बीच में जैसे ये है बॉर्डर है, बस भूमि तो ये है, वो भी है भारत माता। किसने कहा वो पाकिस्तान है? मगर वो पाकिस्तान बन रहा है तो इसमें कोई इजरात नहीं है, वो पाकिस्तान ही बना रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले है ने, वो ही का ये है राक्ष बना पड़ा है। मैडम आइए ना, अपना नाम बता दीजिए। मीरा जी। अच्छा ये बताइए, सीए लागू हो गया,
नागरिकता मिलना तो बड़ी अच्छी भाग्य की बात है जो हमारे नसीब में मिली है। नागरिकता के लिए हमें आज 13 साल हो गए, 13-14 साल हो गए, 13 साल से हमें इंतजार था भी नागरिकता कब मिले और कब हम भारतीय। हमें जहाँ भी जाते हैं यहाँ आसपास तो हमें क्या कहते हैं, पाकिस्तानी। हमें ये पाकिस्तानी कहने का हम शर्माते हैं भी, पाकिस्तानी हमें, हम अभी हम हमारी पाकिस्तान हमारी जन्मभूमि वही है, लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी। कहलाने में शर्म आती है। हाँ, शर्म लगते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे पाकिस्तानी, अरे भाई हम पाकिस्तानी नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हम असली हिंदुस्तानी सच्चे हैं। जब हम भारत भूमि के तरफ आए हैं, हम पाकिस्तानी होते तो वहीं रुक जाते थे, यहाँ आने की कोई दिक्कत नहीं थी, वहीं वहीं सब कुछ था, हमारे परिवार था, हमारा घर था, सब कुछ था, हमारी भारत वहाँ हमारी जन्मभूमि थी, हम वहीं रुक जाते थे। लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं, हम असली हिंदुस्तानी, असली हिंदू है। हमारे को सनातन धर्म का पता नहीं था, जबकि हम अपने धर्म पे कायम रहे, ऐसे नहीं हमारा धर्म नहीं छोड़ा हमने, अपने धर्म के खातिर हम हिंदुस्तान आए। आज हमारी यहाँ भगवान ने प्रार्थना सुनी, जैसा श्री रामचंद्र को हक मिला ऐसा हमें भी हक मिल गया, बस यही धन्यवाद मेरा।